एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो ये किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। ये देखकर उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दें, ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहे करूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दोबारा कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ, 10-12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से इतना परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10-12 बार लंबी सांसें ले लेता हूँ, अपनी हथेलियाँ भी खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोक सकेंगे। उस युवक ने अपनी आँखें बंद की, 10-12 बार लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोल दिया और फिर धीरे धीरे अपनी आँखें खोली। फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो युवक पहाड़ी की तरफ गया, लेकिन उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ी के नीचे देखा तो वो देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले मैं इस पहाड़ी से कूद गया होता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था, क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है, उस समय तुम वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है, उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह पर नहीं था, उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। ये सुनकर युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, ये जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। वो युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लें, मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक हमारे पास ये शरीर है हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो युवक कहता है कि आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है, वो मुझे हर बात पर टोकते रहते हैं, बचपन में वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया, मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा, और ये देख वे बेहद खुश भी होते थे। जब मैं शिक्षा पूरी कर वापस आया तब मुझे लगा कि मैंने सारे शास्त्र वेद उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो और ना ही खुद में इतना अहंकार लाओ। अरे मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है, मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा, सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे, सभी ने मुझे बहुत महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना, वो मेरे शास्त्रार्थ के बीच में पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते और सबके आगे मुझे अपमानित भी करते। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, वो कहते थे कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे क्योंकि वो मेरा साथ देते हैं, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए इसीलिए वो मुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान करा दिया। ये बात मेरे पिता को पता चल गई, वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए और सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया।
मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ। तब मैंने तय कर लिया था कि मुझे मेरे पिता को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा जब वो अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे। तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मुझे तुम एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे तो वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम करने से नहीं रोक सकता? उस युवक ने कहा कि आप सही कहते हैं बुद्ध, अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लें, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिता के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्यरात्रि के बाद ही जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर चले जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्यरात्रि वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी हुई है और युवक के पिता से कह रही है कि तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है, अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो वो आज घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है, वो देखता है कि उनकी आंखों में आज तक आंसू नहीं थे, पर आज उनकी आंखें नम हो गई थीं। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर के अहंकार को मिटाना चाहता था, तभी उसके अंदर की कमियों को उसके पास जाकर बताता था ताकि मुझे सुनकर कोई और भी उसकी कमी को उसे बता सके और उसके ज्ञान का घमंड खत्म हो सके, क्योंकि आदमी का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताता। तब मैंने तय कर लिया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत करा कर रहूँगा, लेकिन वो मेरी बात ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरा दिल बहुत दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी, मैं ही अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ ले आऊँगा, जितना प्रेम तुम उससे करती हो उससे ज़्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हुए हैं, वो ज़रूर वहीं पर होगा, तुम उसे वहाँ जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चुपचाप वहाँ से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और बोला कि हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा कि इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है, ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे नष्ट कर दो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ पर वापस आएंगे, कल सुबह तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है, आप सत्यता को उजागर करते हैं, मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अपने संग में शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उनसे बात करके उनसे आज्ञा लेना और तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की ज़रूरत है तो संग के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।